एस्ट्रॉइड, मीटियोरॉइड और मीटियोराइट के बीच में आखिर अंतर क्या है? जब भी कोई सामान धरती पर गिरता है तो लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड गिरा, कोई कहते हैं मीटियोरॉइड गिरा, तो आखिर गिरा क्या है? आइए जानते हैं। सबसे पहले एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो प्लैनेट्स की तरह ही सूरज का चक्कर लगाते हैं, और स्पेस में लगभग जितने भी एस्ट्रॉइड हैं वो जुपिटर और मार्स के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद हैं। एस्ट्रॉइड कभी भी धरती पर नहीं गिरते, और अगर गिर जाए तो जीवन ही खत्म हो जाता है। इसलिए एस्ट्रॉइड के टुकड़े जिन्हें मीटियोरॉइड कहा जाता है वो पृथ्वी से टकराते हैं। जैसे ही ये मीटियोरॉइड अर्थ का एटमॉस्फेयर पार करते हैं तो ये मीटियोर बन जाते हैं, और अगर ये मीटियोर अर्थ का एटमॉस्फेयर सरवाइव करके धरती पर गिर जाए तो इन्हें मीटियोराइट बोला जाता है। अब तक का लार्जेस्ट मीटियोराइट नामीबिया में 1920 में गिरा था, जिसका वजन करीब 54,000 किलोग्राम है। तो एक बार सोच कर देखिए कि एस्ट्रॉइड कितने बड़े होते होंगे।